लवलीना, आपको ये भी बात पूछना है कि आपने आपके मेडल से एक सोशल इम्पैक्ट हुआ है, रोड्स बने हैं अभी, शायद यू नो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, क्लीन वाटर, सब कुछ आपको मिल पाएगा, लेकिन पर्सनली आपका जर्नी अभी शुरू ही हुआ है. सब कहते हैं कि ओलंपिक के बाद जो एक पीरियड रहता है वहां पे एथलीट्स मेडल जीतने के बाद उनको पता ही नहीं चलता है कि क्या करें, क्योंकि इतने समय तक ट्रेनिंग कर रहे थे, एक शेड्यूल में ब्रेक होता है, सब कुछ ब्रेक हो जाता है. लेकिन उस जो वो जो ब्रेक है, अभिनव बिंद्रा ने भी कहा है कि उस टाइम में मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए. आपने क्या एक सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है जिस पर आप यू नो जिससे आप स्ट्रेंथ डिराइव कर सकते हैं और उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि ओलंपिक के बाद खासतौर एक 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 डेढ़ महीने कुछ करने का नहीं रहता है. हाँ, अभी मेरा मुझे लगता है कि मेरा तो स्टार्ट ही हुआ है अभी, क्योंकि मुझे और दो ओलंपिक खेलना है. तो मैं अभी, हाँ, मैं ब्रेक लूंगी क्योंकि इतने सालों से ब्रेक ही नहीं लिया. तो अभी एक डेढ़ महीने का मैं ब्रेक लूंगी, फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगी और जो एक दो चीज छोड़ के रखा है वो भी करूंगी. लेकिन मैं बीच में, मतलब ट्रेनिंग नहीं छोड़ना है, मुझे पता है, क्योंकि अगर मेरे एक दो महीना एकदम ही ट्रेनिंग नहीं करूंगी उससे मेरा परफॉर्मेंस, मतलब फिर से स्टार्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा. तो मैं इसी बीच अपना दो टाइम नहीं होने से भी एक टाइम तो मैं कर ही सकती हूँ जो अपनी फिटनेस के लिए. बिल्कुल, वो तो छोड़ना तो है ही नहीं.